नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम भाग्य चक्र और मैं हूं नीतू। साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सतीश जोशी जी। आचार्य जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग के साथ। आज 18 नवंबर दिन बुधवार, माघ शिश महीने का प्रारंभ हो गया है। कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो सायं 7:42 तक रहेगी। आज कृतिका नक्षत्र है, रात्रि 10:01 तक। आज किसी प्रकार का कोई गंडमूल, पंचक इत्यादि कोई भी दोष नहीं है। आज इन बच्चों का जन्म होगा, उन बच्चों के जन्म का पहला अक्षर आप रख सकते हैं अ, ई, उ या ए पे रख सकते हैं। आज वरियान योग है प्रातः 10:04 तक, और चंद्रमा वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य भगवान तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। आज का राहुकाल रहेगा दोपहर 12:10 से लेकर 1:40 तक। और आज का दिशाशूल बुधवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है। अति आवश्यकता में आप उत्तर दिशा की यात्रा करें। यात्रा प्रारंभ करने से पहले दूध का सेवन कीजिए ताकि आपकी यात्रा मंगलमय रहे। आज सर्वार्षिद योग चल रहा है, रवि योग चल रहा है, जो पूरा दिन रहेगा। आज का शुभ समय रहेगा, शुभ चौघड़िया रहेगा दोपहर 12:00 से लेकर 1:30 तक, और अमृत चौघड़िया रहेगा प्रातः 8:00 से लेकर 9:30 तक, और सायंकाल भी लाभ का चौघड़िया रहेगा 4:00 से लेकर सायं 5:30 तक। ये समय दिन का बहुत ही उत्तम समय है, इसमें आप किसी प्रकार का कार्य आरंभ कर सकते हैं। जी, तो ये तो था आज का पंचांग, और इसके मुताबिक आप अपने कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने होंगे। आचार्य जी, जैसा कि सवाल लेते हैं आज का, जैसा हम जानते हैं कि आज बुधवार है और बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो आपके लिए काफी फायदेमंद भी होता है, तो आखिर किस तरह से बुध ग्रह की मजबूती के लिए उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए रविवार से लेकर शनिवार तक 7 है जी। इनका पंचांग में भी हम बहुत महत्व है, मुहूर्त में भी बहुत महत्व है। बुधवार शुभ वार में आ जाता है, जिस प्रकार से सोमवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्र, ये 4 ऐसे दिन हैं जिनके दिन आप कोई भी मंगल कार्य कर सकते हैं, कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसके विपरीत रविवार, मंगलवार, शनिवार, इन 3 वारों को हम क्रूर वार कहते हैं। इसमें अधिकतर शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। किसी प्रकार का वाहन खरीदना हो, कि गंडमूल की शांति करनी हो और इत्यादि, कोई आपने विवाह संस्कार करना हो, गृह प्रवेश करना हो, तो इन 3 वारों को हम अच्छा नहीं मानते, परंतु बुधवार को सबसे अच्छा वार माना जाता है, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि का ग्रह है, व्यापार का ग्रह है, और सबसे ज़्यादा इंसान बुद्धि का ही प्रयोग करके तरक्की करता है। बुद्धि का प्रयोग करके ही अच्छा बिजनेसमैन बनता है, क्योंकि बुध ग्रह ही बिजनेस का ग्रह भी है। जी बिल्कुल, बुध ग्रह बिजनेस का ग्रह है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन समय हो चला है आज का राशिफल लेने का, तो लेंगे आज का राशिफल। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहेगा, यात्रा करना अच्छा रहेगा। आज कारोबार में मुनाफा होगा, कोई नए दोस्त से आपको सहयोग मिल सकता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य बीतेगा, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आएगा, निवेश करना भी लाभकारी रहेगा, कारोबार में कोई नया काम आज बिल्कुल शुरू मत कीजिए। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशनुमा बीतेगा, हर तरफ से मुश्किलें दूर होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, जरूरी काम में माता पिता का साथ रहेगा, नौकरी में भी तरक्की होगी। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, आप एक बुद्धिजीवी की तरह काम करेंगे और निर्णय लेंगे, विवाद करने से बचें, कारोबार में भी मुनाफा होगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, घर परिवार में आपसी सामंजस्य मधुर बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, नौकरी में समय के अनुसार आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा, आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, कारोबार में भी लाभ प्राप्त हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी में निवेश के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है।
तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। पारिवारिक मेल जोल के साथ सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दंपत्य जीवन को लेकर स्थान की स्थिति बन सकती है। कारोबार में भाग्य साथ देगा जिससे आपको मुनाफा होगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा। राजनीतिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा। विवाद से आज बचना चाहिए। कारोबार में अच्छे अवसर आज आपको मिलेंगे। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। धन प्राप्ति का प्रबल योग चल रहा है। कारोबार में भी धन लाभ मिलेगा। आर्थिक लेन देन में सावधानी जरूर रखें। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यवसाय में लाभ होगा। अनावश्यक गलत संगति से दूर रहने का प्रयास करें। किसी भी तरह का बड़ा निवेश भी आज नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण जरूर रखें। जीवन साथी का साथ मिलेगा। घर या वाहन लेने के योग बन रहे हैं। सेहत में भी सुधार आएगा। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य बीतेगा। धन अचल संपत्ति के योग बन रहे हैं। पार्टनर के साथ समय बिताएं। व्यवसाय में आर्थिक लाभ के योग भी आज बन रहे हैं। जी, तो ये तो था आज का राशिफल। और बारी है उन सवालों के जवाब देने की जो दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पहले कॉलर है लक्ष्मीकांत शिमला से। आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैडम जी नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटे। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1978। हाँ जी। शाम के 5:30 बजे शिमला। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी बेटे का भविष्य कैसे होगा? गुस्से में ही रहता है 24 घंटे। बिल्कुल। देखिए, जन्म कुंडली में जब ग्रह खराब हो, घर में अशांति हो, पारिवारिक माहौल खराब रहे, तो उसकी वजह से इंसान को गुस्सा आ जाता है। इसका शनि सूर्य की राशि में है। नवांश कुंडली में शनि किसी तरह से प्रभावित हो रहा है, सूर्य प्रभावित होता है, यानी जो अंदर की भावनाएं आदमी व्यक्त नहीं कर पाता, उसके कारण चिड़चिड़ापन और गुस्सा रहता है। इसको कहिए जन्म स्थान से दूर अक्सर जाया करें, घूमने फिरने जाएं या किसी कारोबार के सिलसिले में जाएं, वो इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रकृति का अगर साथ लेता है, यानी सुबह सैर करे, कहीं धार्मिक स्थल पे जाए, पहाड़ों पे तो खैर रहता ही है, तो इस प्रकार से प्रकृति का साथ लेने से क्या है, बृहस्पति अच्छा होता है, ऑक्सीजन मिलती है और जो भी गुस्सा चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। इसका उपाय भी इसको जरूर करना चाहिए। शनि का उपाय करना चाहिए। शनिवार को जाके शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि चालीसा पढ़ें और क्षमा याचना करें। ऐसा करने से धीरे धीरे इसके अंदर धैर्य आएगा और इसके जो भी इच्छाएं हैं, जो भी लक्ष्य हैं, उसको धीरे धीरे वो प्राप्त करेगा। फिर गुस्सा भी कम हो जाएगा, चिड़चिड़ापन भी कम हो जाएगा। जी, और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। खुश रहो। नमस्कार आचार्य जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं एक्चुअल। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा नाम है राजकुमार, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हमारे विभाग में VRS की वो आई हुई है स्कीम, क्या मैं VRS ले लूँ, मेरे लिए सही रहेगा जी? बिल्कुल। देखिए, आपकी पर्सनल कुंडली के हिसाब से आपके मन में क्या है, ये कहता है जितने ज़्यादा सर्विस करो उतना आपके लिए अच्छा है। सर्विस से विदा लेना अच्छी बात नहीं है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं खराब करेगी। हो सकता आपका दिल ना लगे, सेहत में गिरावट आ जाए, तो आप जितना भी समय आपका बचा है वो पूरा सर्विस में भोगिए। क्योंकि शनि महाराज वर्तमान समय में धनु राशि में चल रहे हैं। जो आपने प्रश्न किया वो प्रश्न कहता है आप अपने बीच में मत भागिए, पूरा सर्विस कीजिए। सर्विस आपके लिए अच्छी है, इसमें आपको तरक्की मिलेगी, पैसा मिलेगा। अगर आप छोड़ देते हैं तो किसी प्रकार से आपको नुकसान हो सकता है जी। तो आचार्य जी, आप सवालों के जवाब दे रहे थे और आज जैसा कि बुध का दिन है और बुध ग्रह जो कि बिजनेस से एक जुड़ा ग्रह भी माना जाता है, तो आखिर किस तरह से बिजनेस में उन्नति हो, क्या कुछ उपाय किए जाए ताकि इससे बेहतर रिजल्ट मिल सके,
देखिए बुध ग्रह बिजनेस का ग्रह, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। जन्म कुंडली में जब भी इंसान हमारे से पूछता है या हमारे दर्शक पूछते हैं मैं व्यापार करूं या सर्विस करूं, तो सर्विस के लिए शनि देखा जाता है। अगर जन्म कुंडली में शनि अच्छा है या शनि सप्तम भाव में है, छठे भाव में है, तो इंसान को सर्विस करनी चाहिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बुध को देखा जाता है, बुध की स्थिति में बैठा है, बुध अच्छा है तो बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बुध जब भी अच्छा होगा इंसान के अंदर जो बुद्धि है वो बिजनेस की होगी, सर्विस की तरफ उसका ध्यान रहेगा, 2 के 10 कैसे करने हैं ऐसे विचार उसके मन में आते हैं, क्योंकि बुध की ये प्रवृत्ति है। उस प्रकार से शनि की प्रवृत्ति है सर्विस करना, मैं किसी का अधीन काम करूं, मैं बड़ी जिम्मेवारी ना लूं, रिस्क ना लूं, तो ये शनि प्रवृत्ति देता है। बुध जो ग्रह है वो कहता है व्यापार में किसी प्रकार का आप रिस्क ले लो और व्यापार में तरक्की होगी। जिसका बुध अच्छा होगा, बुध कहाँ अच्छा होता है, बुध प्रथम भाव में अच्छा होता है, दूसरे घर में चतुर्थ भाव में बुध अगर हो सूर्य के साथ हो राजयोग बनता है, यानी ऐसा इंसान बहुत ही मीठा होता है, बोलने की कला होती है, दूसरों को इम्प्रेस करने की कला होती है, और व्यापार में यही चीज़ें चाहिए इंसान को, जिसके अंदर मीठी वाणी है, जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है, खुश कर सकता है, वो एक अच्छा व्यापारी बनता है। तो बुध के अंदर, आज बुधवार भी है, बुध ग्रह के अंदर ये सभी चीज़ें हैं। जिसका बुध अच्छा है उसको बिजनेस करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, और निश्चित रूप से वह इंसान बिजनेस में बहुत तरक्की करता है, क्योंकि आप बिना कुंडली देखे ही आप बता सकते हैं कि इसका बुध अच्छा है या शनि अच्छा है, उसकी बोलचाल से, उसकी बोलने की कला, वो किस प्रकार से बोलता है। अगर आप लगे इंसान को भी बहुत अच्छा मीठा बोल रहा है और कैलकुलेटेड होता है इंसान, बहुत सोच समझ के अपने फायदे के लिए बोलता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में इंसान का बुध अच्छा है। तो हम कहते हैं व्यापार करो, तुरंत करो, और बहुत तरक्की करता है। तो बुध ग्रह व्यापार का ग्रह भी है, वाणी का ग्रह भी है, साथ में हमारे जो शरीर में नसें हैं उसका भी कारक है। अगर बुध खराब होगा तो इंसान को नर्वस की प्रॉब्लम रहती है, यानी नसों में दिक्कत रहती है, जिस प्रकार से विटामिन D3 हो गया, विटामिन B12 हो गया, वो कमी बुध ग्रह के कारण ही होती है। तो जन्म कुंडली में जब भी बुध खराब हो इस प्रकार की समस्याएं आती है। अगर जन्म कुंडली में बुध अच्छा है तो इंसान बहुत ही चुस्त, चलाक, चतुर, मधुर वाणी का इंसान होता है और वह बहुत ही तरक्की करता है। जी, तो अच्छा जी, ये तो वो फील्ड थी बिजनेस के जिसमें तरक्की होता है अगर बुध ग्रह अच्छी हो। अगर बात की जाए अन्य क्षेत्रों की, तो वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें बुध ग्रह की मजबूती को बेहतर माना गया है? बिल्कुल, बुध जहाँ इतना अच्छा है वहाँ बुध खराब भी बहुत है, क्योंकि बुद्धि है। अगर बुध के साथ गलत संगति पड़ जाए, यानी राहु का साथ मिल जाए, केतु और बुध बहुत ही कट्टर शत्रु हैं, केतु और बुध इकट्ठे बैठ जाएं, बुध और मंगल बैठ जाएं, तो बुध खराब रिजल्ट देता है, क्योंकि सबसे अच्छा ग्रह बुध है तो सबसे खराब ग्रह भी बुध है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि बुध पे भरोसा नहीं कर सकते, वो क्या रिजल्ट देगा, क्योंकि बुध बिना पैंदे का लोटा कहा गया शास्त्रों में। बुध और राहु की युति अगर कहीं भी हो जाए, खासकर द्वादश भाव में, तो इंसान को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पुलिस केस होता है, जेल यात्रा तक भी हो जाती है, क्योंकि बुद्धि है, बुध के साथ राहु बैठ जाए, यानी बुद्धि को भ्रमित करना, ऐसी योजनाएं बनाना, छल की योजनाएं बनाना, धोखे की योजनाएं बनाना, तो बुध का मेन है योजनाएं बनाना। अगर उसका अच्छा ग्रह बैठेगा तो अच्छी योजनाएं बनेगी, और खराब ग्रह बैठेगा तो खराब योजनाएं बनेगी। सबसे खतरनाक बुध राहु का योग है। जी, तो आचार्य जी आपने बुध ग्रह से जुड़ी तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही है, तो हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी।